हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम नॉइज़ी डेटा में रिमेनिंग नॉइज़ी डेटा के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्लस्टरिंग, कंबाइन कंप्यूटर एंड ह्यूमन इंस्पेक्शन एंड रेग्रेशन को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डेटा क्लीनिंग, मिसिंग डेटा, इनकंसिस्टेंट डेटा को डिस्कस किया था। नॉइज़ी डेटा में हमने पिछले लेक्चर में बिनिंग डिस्कस किया था। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रेग्रेशन। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ऐसा डेटा जो अनवांटेड या ऐसा डेटा जिसकी आवश्यकता नहीं होती नॉइज़ी डेटा होता है। क्लस्टरिंग को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सो थोड़ा आइडिया आपको हो गया होगा। क्लस्टरिंग वी डिस्कस हेयर आउटलेयर्स विद क्लस्टरिंग। आउटलेयर्स मे बी डिटेक्टेड बाय क्लस्टरिंग। आउटलेयर्स वो डेटा सेट या आइटम्स हैं जो उस क्लस्टर में नहीं आ रहे हैं। क्लस्टर में बता दूं कि ऐसे डेटा आइटम्स का ग्रुप होता है जो सिमिलर या रिलेटेड होते हैं। दिए गए डायग्राम को देखें तो इसमें क्लस्टर्स बनाए हैं सेम या सिमिलर काइंड ऑफ डेटा के ग्रुप्स के। इनके बाहर जो डेटा है जिन्हें हम इसमें रेड सर्किल से डिनोट किया गया है, इनके बाहर जो डेटा है वो आउटलेयर्स है। डेटा को स्मूथ करने के लिए पहले क्लस्टर्स बनाएंगे और रिमेनिंग को आउटलेयर्स में रखेंगे। रिग्रेशन की बात करें तो हम नॉइज़ी डेटा को रिमूव कर उसे स्मूथ करते हैं, मतलब कि डेटा में से नॉइज़ी डेटा को हटाकर स्मूथ करते हैं। डेटा कैन बी स्मूथ बाय फिटिंग द डेटा टू ए फंक्शन। डेटा में हम डेटा हम स्मूथ करते हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन में फिट करके। ये पर्टिकुलर फंक्शन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल द्वारा डिसाइड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो यहाँ एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई और जेड आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस फंक्शन। रिग्रेशन को हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, लीनियर और मल्टीपल रिग्रेशन। अभी जो हमने एग्जांपल लिया वह लीनियर रिग्रेशन है जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जैसे y प्लस जेड यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, यहाँ x डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब कि x को प्रिडिक्ट कर सकते हैं y और z के द्वारा। इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द बेस्ट लाइन टू फिटेड at attributes so that one can predict एक एट्रीब्यूट के द्वारा दूसरे को प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टेंट दैट इज लीनियर रेग्रेशन। मल्टीपल रेग्रेशन यह लीनियर रेग्रेशन का ही एक्सटेंशन है, मतलब कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और मैनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे x इक्वल टू वाई वन प्लस जेड वन, वाई टू जेड टू, वाई थ्री जेड थ्री एंड सो ऑन, एंड वी इम्प्लीमेंट इट ऑन ग्राफ टू अंडरस्टैंड। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, कंबाइन कंप्यूटर एंड ह्यूमन इंस्पेक्शन। Outliers may be identified through a combination of computer and human inspection. Outlier pattern may be informatic, identifying useful data exceptions. मतलब कि इसमें हम डेटा को स्मूथ कर रहे हैं by the help of computer and human inspection by using outliers. इससे हमें हेल्प मिलेगी यूज़फुल डेटा एक्सेप्शंस को आइडेंटिफाई करने में। रिलेटेड डेटा आइटम्स के ग्रुप क्लस्टर्स में आ जाएंगे, इसके बाहर आउटलायर्स या कहें कि उनमें से भी कुछ यूज़फुल आउटलायर्स होंगे और रिमेनिंग क्या बचेगा, गार्बेज डेटा बचेगा। टू अंडरस्टैंड डेटा क्लीनिंग प्लीज़ वॉच ऑल फोर पार्ट्स ऑफ डेटा क्लीनिंग वीडियोज़। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस लेक्चर।